तहसील मोदीनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर व रमेश प्रजापति की अगुवाई में किया गया धरना प्रदर्शन। जनपद गाजियाबाद के तहसील मोदीनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ताओं ने 12 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मांगों में मुख्य रूप से कमर तोड़ महंगाई, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार, जोहर विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा अत्याचार तत्काल बंद हो, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, अल्पसंख्यकों पर फर्जी मुकदमे, स्थापना सुविधाएं, भाजपा राज्य में प्रदेश का विकास कार्य ठप, प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को मिलने वाली शिक्षा शुल्क व शिक्षा प्रतिपूर्ति समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रमेश प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अबरार अलवी, गजेंद्र मलिक, कालूराम धामा, पप्पन शर्मा, के एल जाटव, विकास यादव, परवेज तोमर, दूलीचंद प्रजापति, कमलेश चौधरी, परवेज चौधरी, इस्लाम, महावीर गुज्जर, महेश सिंह, मनीषा त्यागी, वसीम अहमद ठाकुर, परवेज आलम, सालिम तोमर, मोहम्मद जाहिद आदि लोग मौजूद रहे। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान के साथ साजिद अली की रिपोर्ट। बीज नहीं मिल रहा, ये काम मोदी की कर दे, कोई विकास का काम किया सरकार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार इसलिए बनती है कि गरीब हो, अमीर हो, नर हो या नारी हो, कोई भी किसी जाति वर्ग का इंसान हो, सबको संविधान के अनुसार जीने का हक होगा, पूजा और इबादत करने का हक होगा। लेकिन सारी बात एक बात उन्होंने वादा किया हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई विद्यालय बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, सब जितनी भी समाजवादी पार्टी सरकार ने जो काम किए थे उन्हीं पे अपनी छोटी मोहर लगा रहे हैं। और जो काम किए, जैसे गरीबों का वजीफा था समाप्त कर दिया, गरीबों का जो विधवा पेंशन थी, वृद्धा पेंशन थी, वो समाप्त कर दी। और अभी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो बाबा जी ने मेरे SC ST वर्ग को जो सुविधाएँ दी थी, जो पढ़ाई के लिए जो शुल्क मिलता था, जो वजीफा मिलता था, वो इस बाबा योगी बस खत्म करने का काम कुछ नहीं। सारी जितनी योजना थे सब 100 डायल हमने चलाई, 120 जो है एम्बुलेंस हमने चलाई, 108 एम्बुलेंस हमने चलाई, हमने 14,800 किलोमीटर हमने सड़क बनाई, 4 अस्पताल बनाए, 4 बिजली घर बनाए, मेट्रो रेल चलाई, ये किसने काम किया? इन्होंने सारी योजना समाप्त करने का काम किया है। और जो भी हमने एक्सप्रेस वे हैंडवे के पुल जितने बनाए, इन्होंने सिर्फ उद्घाटन करने का काम किया। लखनऊ में मेट्रो रेल हमने चले, ये गाजियाबाद में मेट्रो रेल वो चली है, मेट्रो रेल ये हमारी योजना थी। एलिवेटेड पुल जो राजनगर से जो है सारे सराय का लिखा जाता है, ये हमने बनवाया। ये जो योजना, ये सब हमारी योजनाएं हैं। लेकिन हम माननीय नरेंद्र मोदी और माता जी भी कर रहे हैं, इसी उद्देश्य को लेकर आज हम इस धरने पर बैठे हैं।
की होश में आओ, बीजेपी के बादशाह और बीजेपी के नेताओं, ये देश की भूमि पर विचार है, उसको किसान को अपना हक मिलना चाहिए, गरीब को हक मिलना चाहिए, नौजवान व्यापारी सब वर्गों को उनके योजनाएँ होनी चाहिए। आजम खान जो आजम खान के बारे में चल रहा है आजकल, उन्हें सताया जा रहा है, उन पर केस लगाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई जी सब सिर्फ एक आरोप और 80 मुकदमे, एक आरोप और 80 मुकदमे, ये कौन से संविधान, कौन से कानून? अगर उन्होंने चोरी की है उन्होंने तो आप मुकदमे 1, 2, 3 हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ये जताने का काम कर रहे हैं कि हम हिंदुओं के पोषक सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हम, और ये समाजवादी पार्टी मतलब हम मुसलमानों की पार्टी है नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, नर भी है, नारी भी है, सब हैं, हम सब बता दें, एक आज बात बता दें, ये सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को बढ़ा रहे हैं, ये सत्ता बदले के बाद बेटी बचाओ के बारे में कुछ कहना चाहें? बेटी बढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अभी जो सेंगर कांड हुआ उसके बारे में आप जानते हैं, अभी कांड पीछा, अभी जो एक जो स्वामी जी चिन्नानंद स्वामी जी जो है उनके साथ देखो किसी को जेल भेज दिया है जिस लड़की के साथ अनाचार हुआ, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बच्चों, बुलंदशहर का कांड देख लो, अभी गाजियाबाद का कांड देख लो, क्योंकि ये सरकार जो सही आंकड़े जो छुपाती है, सही आंकड़े अगर फेस करें तो आज उसमें लूट हत्या बलात्कार अनाचार ये सारे काम इस सरकार में हो रहे हैं, और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की भावना को बढ़ाकर ये लोग जो है सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये काम सीधे कर रहे हैं।